जो शॉपिंग वाली ब्लॉग है ना वो मैं बाद में आप सबसे शेयर करूँगी दूसरे वीडियो पे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग वाली होगी मेरी फ्रेंड के साथ। और अभी मेरी फ्रेंड से मैं आप सबसे मिल पाती हूँ, आपको हाँ पहले मैं आप सबसे कुछ बातें बता देती हूँ उसके बारे में। ये मेरी वो वाली फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है रहने को, लेकिन हम अरब से जानते हैं दूसरे को जब हम स्कूल में थे। यस हम 6, 7, 8 एंड 9th क्लास तक एक साथ पढ़े हैं, लेकिन 9th क्लास में हमारा लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ था, फिर भी हम बातें नहीं करते थे, पता नहीं क्यों है। उसका रीज़न है, बेवजह कुछ नहीं होता है, आप सबको पता है ना, तो उसका भी रीज़न है, लेकिन शायद उसके रीज़न को उसके सामने मैं बताऊँगी तो मुझे क्यों बात नहीं करती थी। ओके फिर आप सबको पता चल जाएगा कि मुझे 9th क्लास में क्यों बात नहीं करती थी। खाना खाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप सबसे मिलवा देती हूँ। तो फ्रेंड्स वो अभी बहुत बिजी है, मैं उसको बोल रही हूँ चल मेरे सामने या मेरे साथ वीडियो बना, पर वो अभी बहुत बिजी है, आ नहीं पा रही है। एक्चुअली वो खाना गर्म कर रही है, और अभी टाइम हो रहा है बताती हूँ आपको, अभी 4:40 हो रहा है। 4:40 हमने लंच नहीं किया क्योंकि हम दिन भर आज शॉपिंग किए हैं, बहुत सारी शॉपिंग की है। तो फ्रेंड्स मैं जिस फ्रेंड की बात कर रही थी ना, अभी मेरी गोद में बैठी हुई है और अभी मैं आप सब फिर से मिलवाने वाली हूँ। तो ये रही वो, हाय, ये ना गाइस ये मेरी वो वाली फ्रेंड है जो हम स्कूल में पढ़ते थे ना, 6, 7, 8 क्लास तक हम साथ में पढ़े हैं, और 9th क्लास में भी साथ में पढ़े हैं, लेकिन 9th क्लास में मुझसे बात नहीं करती थी, ये नहीं करती थी और पता नहीं क्यों नहीं करती थी, ये नहीं करती थी तब मैं नहीं करती थी। ओके तो बता दे मैं क्यों नहीं बात करती थी। हम दोनों के बीच ना एक लड़की आ गई थी, जिसके कारण मुझे ना इसको उसके साथ देखना मुझे पसंद नहीं आया। कौन सी लड़की? कौन सी लड़की? एक थी रायगढ़ से, और उसके बाद एक साल तक वो रही इसके साथ, ये मेरे को उसके वजह से मेरे को छोड़ दी। ऐसा कुछ नहीं था फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक्चुअली देखो वो भी मुझसे बात करती थी, और ये ना मेरे मामा गांव में रहती थी, और मेरी जो वो वाली फ्रेंड है जिसके साथ इसको जेलस फील होता था ना, वो लड़की मेरे गाँव की रहने वाली थी, ठीक है। तो हम लोग कभी कभी पैदल आना जाना करते थे, कभी कभी अपना पैदल आना जाना करते थे। मेरे गांव की रहने वाली थी, वरना हम साथ में एक मतलब हमारा जो घर था ना वो आसपास में नहीं था, बहुत दूर दूर में था, और कभी कभी मेरे साथ आना जाना करती थी। स्कूल में भी कभी कभी साथ रहते थे हम, लेकिन इसको लगता था कि वो मैं उसकी वजह से इसको बात नहीं कर रही हूँ या इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही हूँ, और इसको अटेंशन ज़्यादा पाना था इसीलिए ना इसको खराब लगा और ये मुझसे बातें नहीं करती थी। एक्चुअली इसकी कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ थी ना गाइस, मैं बता नहीं सकती, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती थी पगली। मैं ना इसको ना अपनी ना बहन से ज़्यादा अपनी जान मानती थी, आई नो, तो मैं इसको ना किसी से बात करने से ना मना करती थी, और ये किसी से बात मना नहीं करती थी, ठीक है, मना करती ही नहीं थी मैं ना इसको ना। उस टाइम में फ़ोन तो नहीं था हम लोग के पास, उस टाइम हम लोग छोटे छोटे थे तो फ़ोन नहीं पकड़ते थे, उस टाइम का 9th-6th की बात है, तो हम लोग ना लेटर लिखते थे। यस मैं लेटर इसको लिख कर बोलती थी कि ये मत करो मत कर, ये मत करो मतलब उससे बात मत कर, तू ये करती है कर, इसको रोकती थी मैं, फिर नहीं रोकी, फिर उसके बाद मैं इससे ही दूर चली गई एक साल। अब बहुत साल के बाद मैं इसको मिली हूँ आज। फ्रेंड्स ऐसा है ना, देखो क्या हुआ था, किसी और से बातें करती थी, इसको जलस फील होता था, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, मुझे ऐसी हरकतें खराब करती है, मैं समझती नहीं थी। हम किसी मुझे इतना प्यार करती है ना, हम चीज़ों किसी को भी एक स्पेशल से फ्रेंड में एक स्पेशल समझते हैं, कि मेरे लिए स्पेशल थी फ्रेंड में, और अभी नहीं, अभी भी है और हमेशा रहेगी, और भी मेरे लाइफ में बहुत से स्पेशल हैं जो उसको मैं दूसरों के साथ शेयर करना पसंद नहीं करती, बस यही है वजह, और जो हाँ, मैं ना उसको मैं दूर निकाल लेती। ठीक है अभी मुझे पता चला असली रीज़न क्या था। हम ना बहुत बातें करते थे, हमारा बीच में मतलब स्कूल के टाइम पे हमारा 1 बजे लंच का टाइम होता था, तो हम लंच करने के लिए एक साथ जाते थे, हम काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे फ्रेंड्स, बहुत अच्छे फ्रेंड्स, हमेशा एक साथ रहने वाले, हमेशा एक साथ पैदल 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 जाते थे। इसका भी मामा गांव एक ही गांव है और मेरा भी मामा गांव एक ही गांव है, और शादी से पहले मैं इसको मिलने के लिए भी गई थी, इसके घर गई थी, और ये मुझसे मिलने तो काफ़ी आया करती थी मेरे घर पे, क्योंकि मेरा गांव बहुत पास था, खेलते भी थे, बस बातें नहीं होता। हाँ और 9th क्लास में हम एक ही स्कूल में थे ना,
एट क्लास सिक्स सेवन तक हम एकदम क्लोज वाले फ्रेंड थे, बहुत टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन लास्ट टाइम जब एट क्लास में वो लड़की आई और उसके साथ इसको जलस फील हुआ, फिर ये मुझे छोड़ दी और मैं भी इसको साथ छोड़ दी। और उसके बाद हम नाइन्थ क्लास में गए, नाइन्थ क्लास में जब गए थे ना, तो वही एट क्लास में जो जो हुआ था वही सारी यादों को ताज़ा करके रखती थी और मैं भी रखती थी, इसीलिए इसने मुझे कभी बातें नहीं करी। हम साइकिल से जाते थे फ्रेंड्स स्कूल और बात नहीं करती थी, मैं भी बात नहीं करती थी। टेंथ में भी बातें नहीं हुई हमारी, टेंथ क्लास में दूसरे स्कूल में जाके पढ़ाई करी, तब से हमारा पूरा रास्ता बंद हो चुका था और कहीं से कोई कॉन्टेक्ट नहीं था। फिर टेंथ क्लास में दूसरे स्कूल में पढ़ने के लिए चली गई थी और ना फ्रेंड्स ये इतनी पतली थी ना, ऐसे थी और आज देखो, और इसके लंबे लंबे बाल थे और इतनी पतली थी ना कि कोई धक्का भी दे दे बच्ची, कोई छोटी बच्ची भी धक्का दे दे तो धड़ाम से गिर जाइए। सारे कपड़ा नीला पड़ते ना, मैं तो मैं चमे पाती वैसी नहीं मानती है क्या पतली थी, पतली थी लेकिन उतना तो ज्यादा पड़ गया। फ्रेंड्स इसके ना जो हमारा यूनिफॉर्म होता था उसमें से इसके हाथ बहुत दिखते, मतलब बहुत ही ज़्यादा बनते थे और इसके शर्ट करी ये वाला हिस्सा बहुत बहुत पतला, इतना पतला था। और अभी देखो कितनी अच्छी हो गई है ना, मोस्ट ब्यूटीफुल आलू हो गई। हाँ सही है, पहले भिंडी के बाल हो गई है और मैं इससे मिल के बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत एक्साइटेड थी इससे मिलने के लिए बहुत दिनों से। कुछ है ऐसी प्रॉब्लम्स जिसके वजह से नहीं गाइस, कुछ प्रॉब्लम्स हैं आप सबको पता होगा। मैं आ सकती थी, मेरे को बताई थी नहीं कि नहीं था, बताई थी रे, बहुत टाइम बताई, मेरी कुछ ऐसी बच्चा हो गया तब बताई। फ्रेंड्स मेरी कुछ ऐसी ऐसी मजबूरियां हैं ना जिससे मैं बता नहीं पाऊंगी आप सबको। मुझसे क्या छुपाना, तुमसे ही छिपाना जरूरी है, तुमसे ही छिपाना जरूरी है। और है कुछ कुछ जो समय आने पर ना सामने आ ही जाएगा पर अभी नहीं बता पाऊंगी। और मैं बहुत एक्साइटेड होती थी फ्रेंड्स एक अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए, किस किस को एक्साइटमेंट नहीं होगी बताओ, होगी ना, तो मुझे भी थी। और मैं बहुत अभी से वेट भी कर रही थी रूम में, फ़ोन को ऑन करके फिर रखती थी, फिर देखती थी आई कि नहीं फिर आई, और ये जब मुझे कॉल करती थी तो मैं सोती हुई चुपटा के उठ जाती थी। फिर उसके बाद ये जैसे तैसे करके हमारे रूम में पहुंची है, उसके बाद हम यहाँ आए हैं। बाकी का व्लॉग आपको देखने को मिल जाएगा, दूसरे व्लॉग में शॉपिंग वाली है और आज हम लोग ढेर सारी शॉपिंग की। हाँ ढेर सारी, और कल शायद भी कर सकते हैं। हाँ शायद कल भी कर सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा। अब आ गई है ना तो मेरी जो प्रॉब्लम्स मैं तुझे बता सकती हूँ, आज है ना आप बता सकती हूँ। हाँ मैं भूल गई थी, मैं बता दूंगी इसको मतलब उसके बाद में शायद हम मिल सकते हैं। लेकिन मेरी तो है ये प्रॉब्लम, इसकी भी कम प्रॉब्लम्स नहीं है, ये आ नहीं पाएगी मेरे यहाँ ज़्यादा। मैं आ सकती हूँ ऐसा नहीं है, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, ऐसा मेरा कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके अच्छी बात है, चलो चलो देखते हैं, इसलिए मैं कहीं भी आ सकती हूँ। ओके अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स इसकी शादी भी ना अभी फिक्स नहीं हुई है, बहुत टाइम है इसका शादी होने में, लेकिन जब तक शादी नहीं होगी ना तब तक ये इसको मैं बुला सकती हूँ, हम कहीं भी जा सकते हैं घूम फिर सकते हैं। पता नहीं तेरे हस्बैंड तेरी फैमिली वाले कैसे होंगे, मैं शादी बात की आऊँगी देखते हैं, सही देखते हैं। फिलहाल शादी के बारे में अभी सोच रही हूँ मैं, शादी मेरे लिए तो हाँसी खंडा लग रहा, इसका लाइफ देख लूँ, इसका लाइफ बहुत अच्छा है शादी लाइफ, बट सब लाइफ ऐसे नहीं रहता। हो सकता है मेरी शादी वाली लाइफ से भी तुम्हारा बेटर हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है ना, हो सकता है ना। ओके तो फ्रेंड्स हम तो अभी बहुत सारे रील्स बनाने वाले हैं, आप सभी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा और देरा वाला इंस्टाग्राम आईडी बताना जरा। प्राइवेट रख दिया ही अपना, लेकिन बनाती जरूर है, मैं बनाती हूँ। चलो कि नहीं बताते हैं आप सबको क्योंकि प्राइवेट है और अपने जो फ्रेंड सर्कल होते हैं ना वही लोग इसको फॉलो किए हैं और उन्हीं से कांटेक्ट में है, तो नहीं आप फॉलो कर सकते हो, एक्सेप्ट नहीं करेगी फिर क्या मतलब है ना। यही डाल सकती है हाँ मैं डालूंगी, मैं हम दोनों का ना इंस्टाग्राम वाली रील्स डालूंगी तो आप सब जरूर देखिएगा,
चलिए फ्रेंड्स, ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए व्लॉग पे, बाय।